हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो ये सडनली मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली अभी इवनिंग का टाइम है, 7 बज चुके हैं और मैं अभी बस फ्री होके लेटी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और मैंने ना यहाँ पे अपना व्लॉग चला रखा है। एक्चुअली मेरा मन किया दक्षु की पिछले साल की वीडियोस देखने का, तो इसकी फर्स्ट बर्थडे की वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी थी, तो वो अचानक से मुझे सामने दिख गई चैनल में, तो मैंने इसे प्ले कर दिया दक्षु के लिए। मैं इसे दिखा रही थी, मैंने कहा दक्षु ये देखो आपके फर्स्ट बर्थडे की वीडियो है, आपका हैप्पी बर्थडे था ना, तो ये बड़ा खुश हो रहा था। यहाँ पर इसने चेयर ला के रखी बेड के ऊपर और यहाँ पर ये बैठ के आराम से देख रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, एक सेकेंड। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये दो केक हैं, इसके बर्थडे पर आए थे। ये जो फोटो वाला केक है ये इसके मामा लेके आए थे, दोनों मामा जी, और जो दूसरा वाला था वो दक्षु के पापा लेके आए थे हम दोनों जाके। और यहाँ पे बर्थडे की तैयारी चल रही है, फर्स्ट बर्थडे था एक्चुअली इसका। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि उस टाइम भी लॉकडाउन वगैरह था, कोरोना का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, बट थोड़ी बहुत मतलब खुल गई थी शॉप्स वगैरह, तो इस वजह से हम केक वगैरह लाकर इसका बर्थडे मना पाए थे। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, यहाँ पे इधर देख रहा है कि ये चल क्या रहा है, ये सारे मुझे टीवी में क्यों नज़र आ रहे हैं, हैरान हो रहा है ये। दक्षु आपका बर्थडे है, बहुत खुश हो रहा है ये। देखो हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं आपका, वो देखो। सो गाइस इसका सेकंड बर्थडे भी बस आने वाला है, जून में है। दोबारा से कहीं लॉकडाउन वाला चल रहा है सीन, कहीं से दोबारा वो ना हो जाए, लॉकडाउन ना हो जाए। ये दक्षु के पापा लगे, दक्षु देखो कौन, दक्षु भैया दक्षु कौन है भैया? भैया थैंक यू बोलो, ये बेशरम है, ये तो बेशरम है। आपका नाम क्या है? एसपी करता क्या लगता है? जी ठीक है। आपका आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ठीक है, आप भी दे दो पिक्चर, दे दो भाई, थैंक यू बोलते ना, बेशर्मी मत करो। इसको ना समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ये वहाँ पे क्यों सारे नजर आ रहे हैं, इसे बिल्कुल मतलब हैरान हो रहा है ये बहुत ज्यादा। दक्षु क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, चेयर पे बैठ के देख लो ना। बहुत हैरान हो रहा है ये, इसे समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। अभी इसे इतना पता नहीं है ना कि चैनल है, यूट्यूब है, टीवी में चल रहा है, ये सोच रहा है कि पापा और भैया वगैरह, मामा वगैरह सब वहाँ क्यों नज़र आ रहे हैं टीवी में।
अलमीरा को थोड़ा इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा मैस हुई पड़ी है। इसका भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो शूट करना है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं डिले कर रही हूँ इसे अभी। और ये किचन के क्लोथ्स कुछ वॉश किए थे वो मैंने किचन में रख दिए, अलमीरा के अलमीरा में रख दिए। दक्षु के डेली यूज़ के क्लोथ्स जाएंगे उसकी ड्रॉर्स में, तो और जितनी बेडशीट्स वॉश की थी वो सब जाएंगी बेड के अंदर। तो अभी मैं दक्षु के कपड़े रख देती हूँ। चलो दक्षु। और इतनी शरारत कर रहा है ना ये, मैं ये देखो अंदर बेडरूम का हाँ। ये देखो दीवार को पेंट किया, क्या हालत करके रख दी इसने। हो गई ना, पहले कार्टून लगा के दे रखे हैं इसे, बट कार्टून नहीं देखने, मुझे परेशान करना है। सारे कपड़े इधर फैला दिए इसने। और गंदू बच्चू हो रहे, दक्षु आप पीछे हो जाओ। नहीं नो, इसे नहीं छेड़ोगे, नो कोई बात नहीं, गुस्से हो जाओ बट आप यहाँ मत आओ। वैसे आप क्या कर रहे थे? ओ, कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं किया, आप तो दीवार पर फोटो लगाने वाले थे। सारी हड़बड़ी में डैडी पिक फोटो लगाना भूल ही गए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, पर ये काम तो बहुत आसान है। वही ही आसानी से लगा दिया। दक्षु जाओ पापा आगे, दरवाजा खोलो, जाओ जाओ डोर ओपन करो, जाओ। यही एक तरीका होता है इसको बेड से उतारने का। खोलो डोर ओपन करो। रात हो चुकी है, पापा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं। सो गाइस बस अभी दक्षु के पापा आने वाले हैं। मैं बालकनी में खड़ी हूँ, हवा बड़ी प्यारी चल रही है, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है।